हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की डेट में अगर लेटेस्ट गेमिंग कंसोल लेने की बात करें तो दो ही कंसोल्स हैं, सोनी का PS4 और माइक्रोसॉफ्ट का Xbox One। वैसे में जो लोग नया कंसोल लेना चाहते हैं तो उनमें से काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि उन्हें कौन सा कंसोल लेना चाहिए, PS4 लेना चाहिए या फिर Xbox One लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप PS4 लेना चाहते हैं तो आप आँख बंद करके PS4 ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप Xbox One लेने की सोच रहे हैं या फिर आप Xbox One परचेज़ करने वाले हैं तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा Xbox One की 5 मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। तो चलिए बात करते हैं Xbox One की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, और वो ये है कि अगर आप Xbox One नया परचेज़ करते हैं और जब आप उसको फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद आप उसको आगे नहीं चला पाएंगे, आप उसमें कोई भी गेम नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि जब आप Xbox One को फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो उसे आपको अपडेट करना होगा, और ये जो अपडेट है इसका साइज़ 4 से 5 GB का होता है, और ये अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो आप ये अपडेट नहीं कर पाएंगे, जिससे आप अपने Xbox One को आगे नहीं चला पाएंगे, उसमें आप कोई भी गेम नहीं खेल पाएंगे। और ये Xbox One की सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप यहीं PS4 लेते हैं तो आपको किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें आराम से ऑन करके अपनी गेम्स को ऑफलाइन खेल सकते हैं। और उसके बाद आती है Xbox One की जो एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आपके Xbox One का जो सॉफ्टवेयर जो वर्जन है वो पुराना है और आप एक नई गेम लेके आए हैं खेलने के लिए, और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो आप वो गेम नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि Xbox One की जो डिस्क होती है उसमें अपडेट की फ़ाइल नहीं होती है। आपको अपने Xbox One को Xbox Live से कनेक्ट करना होगा और उसके बाद उसको अपडेट करना होगा, तभी आप वो गेम खेल पाएंगे। और ये जो अपडेट होती है इसका भी साइज़ 4 से 5 GB का होता है, और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप अपने Xbox One को अपडेट नहीं कर पाएंगे, जिससे आप वो गेम नहीं खेल पाएंगे जो नई गेम आप लेके आए हैं, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और मुझे ये चीज़ Xbox One की काफ़ी ख़राब लगती है, और माइक्रोसॉफ्ट को ये चीज़ अपनी चेंज करनी चाहिए। उसके बाद Xbox One की जो एक और प्रॉब्लम है भाई, वो ये है कि Xbox One की गेम्स को खेलने के लिए आपको उसको अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा, उसके बाद ही आप गेम्स को खेल पाएंगे। और लॉगिन करने के बाद काफ़ी ऐसी गेम्स हैं जिनको आपको अपडेट करना होगा, और अपडेट किए बिना वो गेम्स नहीं चलेंगी। तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे और गेम्स को अपडेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी गेम्स जो हैं Xbox One की वो नहीं चलेंगी। और ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है Xbox One की। और PS4 में इस तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसको अपडेट को पॉज करके और ऑफलाइन भी आप आराम से गेम्स खेल सकते हैं। और उसके बाद Xbox One की जो एक और प्रॉब्लम है वो तब आ सकती है अगर आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया में Xbox One को परचेज़ करते हैं तो अगर आपके पास इंडिया में Xbox One है तो ये मैं आपको बता दूं कि Xbox One की इंडिया में गेम्स की बहुत कम वैरायटी मिलती है। अगर आपने Xbox One की जो कॉमन गेम्स हैं वो भी खेलनी है तो आपको काफ़ी जगह ट्राई करना पड़ेगा। आपको अगर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी है, WWE खेलनी है, नीड फॉर स्पीड खेलनी है, असैसिन्स क्रीड खेलनी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इधर उधर ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके शायद आपको कुछ गेम्स Xbox One की मिल जाएं। तो अगर आप ज़्यादा वैरायटी गेम्स की खेलना चाहते हैं तो PS4 ज़्यादा बेटर रहेगा Xbox One से। और उसके बाद आती है Xbox One की एक और बड़ी प्रॉब्लम, और वो ये है कि Xbox One में आपको एक्सक्लूसिव टाइटल बहुत कम मिलेंगे, इसमें आपको ज़्यादा गेम्स एक्सक्लूसिव गेम्स नहीं मिलेंगी। जैसे आपको PS4 में काफ़ी अच्छी गेम्स मिल जाती हैं, PS4 में आपको अनचार्टेड मिल जाएगी, गॉड ऑफ वॉर मिल जाएगी, हॉरिज़न ज़ीरो डॉन है, स्पाइडरमैन है, डेज गॉन है, और उसके बाद लास्ट ऑफ अस है, और ऐसी कई अच्छी गेम्स हैं जो आपको PS4 में खेलने को मिल जाएंगी, पर Xbox One में आपको ऐसी गेम्स नहीं मिलेंगी। तो अगर आप ये बेस्ट गेम्स खेलना चाहते हैं तो आपको PS4 ही लेना चाहिए, आपको Xbox One परचेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप Xbox One में ये गेम्स नहीं खेल पाएंगे। तो यही थी Xbox One की 5 मेजर प्रॉब्लम्स। आप मुझे बताइए कि आपके पास कौन सा कंसोल है, Xbox One है या फिर PS4 है, और अगर आपके पास Xbox One है तो क्या आपको Xbox One की गेम्स परचेज़ करने में कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं, मुझे बताइए कमेंट्स में। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली सभी वीडियोज़ को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।